राजू साहब कुचबिहार उत्तर शुक्रवार राय पंडित दीनदयाल मुखोपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं भारत मातार प्रतिकृतिते पुष्पार्घ अर्पण करछेन सम्मानीय श्री अमिताभ चक्रवर्ती महाशय सभार शुरूते আমরা শ্যামচাঁদ ঘোষ ভারতীয় জনতা পার্টির সম্মানীয় নেতৃত্ব আমরা দেওয়া হবে প্রথমে সম্মানীয় শ্রী অমিতাভ চক্রবর্তী মহাশয়কে বরণ করে নিচ্ছেন এবং শ্রী গণরঞ্জন মণ্ডল মহাশয় এবার পিজা 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 তোমার মোবাইল লুকছে পিজা দিদি মোবাইল না দেখো এই আমাদের সামনে একেবারে মোবাইল নাও মোবাইল पता है हमारे यहाँ पे सही अस्पताल नहीं है, सड़कें नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, चिकित्सा की सुविधा नहीं है, वो सब आपको बता दी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सब विधायक गण और सब नेताओं ने ये संकल्प लिया है कि नॉर्थ बंगाल की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी पे जो विश्वास दिखाया है उस पर हम खड़े उतरेंगे और जो भी चुनाव के समय जनता से हमने वादे किए हैं चाहे वो नॉर्थ बंगाल में यूनिवर्सिटी बनाना हो चाहे एम्स जैसा अस्पताल बनाना हो चाहे दार्जिलिंग तराई डुवर्स का स्थायी राजनीतिक समाधान हो उन सब समस्याओं का समाधान हम अपनी जनता के लिए अवश्य करेंगे। और इस तरह के बहुत सारे जो है विषय उस बैठक के अंदर में आए उसमें से बहुत सारे विषय मैं मीडिया के सामने इस समय नहीं रख सकता लेकिन कुल मिला के ये बहुत अच्छी बैठक रही और आने वाले समय में भी इसी तरह नॉर्थ बंगाल के हम सब विधायक और सांसद लोग मिलते रहेंगे और नॉर्थ बंगाल के साथ जब जब अन्याय होगा तब तक हम नॉर्थ बंगाल की जनता के साथ खड़े होंगे। मित्रों देश में बहुत सारे विषय चल रहे हैं उनमें फिर भी एक बार मैं कुछ विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अफगानिस्तान का विषय दार्जिलिंग और नॉर्थ बंगाल क्षेत्र से 200 से ज्यादा लोग हमारे नॉर्थ बंगाल में सॉरी विशेष करके नॉर्थ बंगाल और दार्जिलिंग से अफगानिस्तान के अंदर में वहां पे फंसे हुए थे और वो सब लोग अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षित वापस आ चुके हैं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का और एमबीए का और हमारे मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि एक डिफिकल्ट जो है टास्क था और बहुत कठिन परिस्थिति तालिबान के कारण अफगानिस्तान में पैदा हुई थी। दो तीन महीने से इस तरह के विषय चल रहे थे, भारत सरकार ने कई एडवाइजरी भी जारी की थी लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि 3 लाख की फौज वाला अफगानिस्तान इतने जल्दी तालिबान के सामने हाथ खड़े कर देगा और उस 3 लाख में से भी 60,000 से ज्यादा अमेरिका से ट्रेंड थे। लेकिन अचानक ये स्थिति पैदा हुई लेकिन भारत सरकार ने जो है ऑपरेशन देवी शक्ति के अंतर्गत अपने करीब 1600 से 1700 लोग भारतीय ऐसे फंसे हुए थे जो वापस अपने मूल आना चाहते थे उनको सकुशल वापस करने में इस सरकार ने जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाई और मैं नॉर्थ बंगाल की जनता की ओर से जो है मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर का और एमईए डिपार्टमेंट का आभार व्यक्त करता हूँ।